के धारा नगरी में राजा पृथ्वीपत उनका लड़के हुए राजा पद्मसेन, उनका लड़के हुए गोपी चंद। समय बीतता चला गया, पद्मसेन स्वर्गवास हो जाते हैं, राज तिलक गोपी चंद को कर दिया जाता है। गोपी चंद के 16 रानियां 12 कन्या और उसकी मां मैणावंती राज को चलाते। एक रोज सुबह जब बड़ी रानी पाटन से सुबह उठी, गोपी चंद के पास गई के महाराज प्रणाम, के कहो महारानी क्या बात है, ये बात तो बहुत बुरी लग गए, क्या हुआ, कैसा सपना आया कि राजपाट डगमगा गया और आप तो बाबा जी बनेंगे। बोला मुंह बंद करे बड़ बढ़ जाएगी, सपने की क्या कोई बात होती है, क्या सपने की बात, बोले महाराज मेरे सपने सच हो जाया करेंगे, अरे मैं तो घनी डर रही हूं, अपना सपना बताती है गोपी चंद के सामने, क्या कहती है। न्यू बोली सपने के मां मेरे पिया, हो सपने के मां मेरे पिया, चमटा कंध धोड़ी यू घर घर अलख जगा रहा था, सपने के मां मेरे पिया तू सतु हाथ में चमटा कंध धोड़ी घर घर अलख जगा था, सपने के मां मेरे पिया I'm
मेहनत से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से 6000 रुपए ताली बजाओ बाबा के नाम पे। अशोक महाराज की 6000 रुपए को बताना है बाबा के भंडारे के लिए। आप सभी भक्तों का बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। पोता करके खिला हुआ है, अड्डे का नहीं चली गई। एक बस आवे नीली रोकी रे डिलीवर, रोकी रे डिलीवर। ड्राइवर ने सोचा बुढ़िया ने को काम होगा, कहते मैं बना जाती हो, ब्रेक लगा है मोटर की। ले बैठ ताई, नीली रे में बैठू को नहीं तो ताई की रुकवा दी। रे ये मेरे पोतो रो है को तो को को बजा दे, तो एक बात फिर बजा दे बाबा के नाम से। Yeah.
बिगड़ गया काम पिया, राज छोड़ के साधु हो गया, सच के ऐसा राम पिया, घर घर जाके अलख जगाई, पड़े को सुता राम पिया, जय सिंह जो हरे गुरु की सेवा, कर के हो गया नाम पिया, कला बनिया दाम पिया, हरक कला बनिया दाम पिया, सतगुरु ज्ञान शकार था, मैंने उन दिन बहुत कहा अपने लड़के गोपी चंद को के बेटा के हामा तेरा मामा पर थ्री आ रहे अपने नौलो खेबा का मन फिर माँ के करे घर बोला भोजन करवा जमादारी होगी के हाँ अरे मैं तेरे को जोग दिवाना चाहती हूँ बेटा तू सदा के लिए अमर हो जाएगा मर ये नहीं गा क्या समझाता है अपनी माँ को क्या कहा बता Oh,
Thank you.
गोपी कृष्ण अपनी मां मायावती को कही, लेकिन मानती नहीं है। निबली रे तू तो नादान है भाई, तेने मरे गणवादी फलाना मर गया, तकड़ा मर गया, पकड़ा मर गया। मैं तेरे को नस्तियों के नाम गणवाती हूं, जो आज भी संसार में जिंदा है। मां मायावती गोपी चंद को समझाती है, एक एक बोल सुनने का कैसे क्या बता रहा है। नारायण नारायण
तत्ता एक आजा के रे हत्यारा रह गया कि आजा मेला प्यारा रह गया वो भी अमर है। वो भी चंद का ध्यान था माँ किस किस के नाम गणवाती है कदे बोलो उमती हो मेरी माँ कि हाँ बेटा आजा मेला प्यारा कि हाँ अमर कि हाँ झूठ बोले अरे झूठ नहीं बोलती अमर होया माँ कैसे होया कि आजा मेल बहुत पापी था बहुत पाप किया करता था। एक दिन उसके द्वार के ऊपर दो साधु जन आए अलग जगाई भीख डाल दी उन साधुओं ने उसको वचन दिया कि तुम बहुत पापी हो कि हाँ जी अरे छोड़ दे इनको कैसे छोड़ दे जी तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा हम वचन देते हैं लेकिन लेकिन क्या उसका नाम तुम नारायण रख देना सब काम सफल हो जाएगा। वैसा ही होया जो साधु ने बताया था। समय बीतता चला गया साल सवाई उनके घर में एक लड़के जन्म लिया उनका याद आया कि ओहो साधु जी आए थे उस लड़के का नाम नारायण रख दिया। नारायण भगवान का नाम होता वो पापी भगवान का नाम लिया करता इसलिए उसका ध्यान पलटवाया। कोई भी काम होता वो छोटे बच्चे से बड़ा हो गया अरे नारायण यहाँ नाम अरे नारायण वो काम करना भगवान का नाम धर्म रटा गया। जब काल ने यम के दूत भेजे उसको देने के लिए दानियल को घबरा गया अरे नारायण यहाँ नाम भाई यार धर्म नाम तो असली नारायण के दूत आ जाते हैं लड़क कितने जाओ है ना बोला महाराज शायद उम्र पाप करे ही ना तो इसका नंबर इसको हमें ले जाना है ना अभी नहीं है हमारा आदमी है जो आपका आदमी कैसे है आज का नाम लिया ही ना तो लड़क ने दिन के लिए है क्या कहा नारायण नाम था बेटे का I'm going to
कर्म करण का कथन बना दरिया पटी कोई पार करई सजतन बना तन पर संगे सुमर जमवान पार हो वही समथन बना तन पर संगे सुमर जमवान पार हो वही समथन बना लिए बाबा जी ने भगवा वस्त्र दे दिया, भगवा बाणा दे दिया, आदेश दिया के गोपी चंद के हां गुरु जी भाई अपने महलों में जा आलख ले गया। गोपी चंद ने ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी आपके सामने बात बनेगी जो कि रानी कहती माँ सैलनी होगी कि बेरा था नींद बनाएगी। लेकिन गुरु किया क्या को मानते हुए अपने वस्त्र सजाता है। कैसी कैसी मन में क्या क्या विचार आते हैं, पहले क्या था अब क्या हो गया, कैसे क्या बताया। इस तर्ज को बहरे तबील कहते हैं हरियाणा। Yeah.
Yeah.
काया हो गैया माथे पतोरी सदा लगाए पड़े माथे पतोरी सदा गुरु जी की वाणी काया हो गैया संकट का भी संकट का भी क्या बात है।